जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता लगातार तुहानू किसान अंदोलन दी वक्त अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिस तरह जो न्यूज़ ते ब्रेकिंग डिवेलपमेंट्स हन उन्हां दी खबर तो साडी न्यूज़ टीम तुहानू पहुँचाई रही है। साडी इस मंच ते कोशिश हुंदी है कि तुहानू थोड़ी डीप डाइव कुछ इन कॉन्सेप्ट्स बारे दित्ती जाए। एक्सपर्ट्स साडे नाल लगातार जुड़ते हैं अपनी एक्सपर्टीज इनसाइट्स कॉमेंट्स साडे नाल शेयर करते हैं तो इस अंदोलन दे विच मैं कहांगी 26 जनवरी तो बाद खास करके गाजीपुर बॉर्डर ते जो सिक्योरिटी फोर्सेस दा एक्सपेंशन जो उन्हां दी इनक्रीज देखिया सी मैं कहांगी 27th 28th नू राकेश टिकैत दी इमोशनल अपील जदों उन्हां नू गिरफ्तार करन आए सी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हां दी इमोशनल अपील ने किस तरह इस अंदोलन नू एक नवा जज्बा दिता खास करके जिथे हरियाणा ते यूपी की गल आती है। तुसी जरूर वेख्या होना है मैं अपनी अखों वेख्या रातों रात हरियाणा तो यूपी तो किन्ने ज़्यादा हज़ारा की गिनती दे विच अंदोलन दे विच हिस्सा लैन पिंडा तो शहर तो लोग आए राकेश टिकैत जी की तुसी कह लो पुकार तो बाद बट किस तरह यदि राजनीति हुण प्ले आउट हो रही है अगर आप महापंचायत की गल करते हैं किस तरह एक राजनीतिक तौर पर वक् वक् पार्टियाँ खास करके कांग्रेस पार्टी इस मौके की एडवांटेज लैन की कोशिश करिए कुछ अपना फायदा बनाने की कोशिश करिए भी थोड़ी जी गल करांगे। बट अल्टीमेटली अगर आप गल करते हैं ह्यूमन राइट्स की जो इस वेले राजनीति तो भी उठ के हैं ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूज़ हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड दिल्ली दे विच ओ आपां बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो कहांगी जिन्नी ज़्यादा आप सारे साढ़े सारे स्रोतियां तो वलों इस चीज़ ते साडी गल होएगी खास करके जो अमेरिका यूके कैनेडा बैठे हुए हैं जिन्हां दे कनैक्शनस पोलिटिकली हैं अगर उन्होंने वलों इस चीज़ ते आवाज़ उठाई जाऊगी तद ही इस चीज़ नू कोई आपां तुसीं कह लो इहदे च कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं। बिकॉज इस वेले वंस अगैन मैं अपनी अखों देखिए किस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑन द ग्राउंड हो रहे हैं भावें वह पत्रकारा के खिलाफ हो भावें प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हो जिन्हों का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बनता है उत्थे प्रोटेस्ट करन दा भावें वह बजुर्ग किसान हो जिन्हों जेल या कस्टडी विच फड़िया होया है उन्होंने कुटिया जा रहा है 80-80 साल के बजुर्गों कुटिया जा रहा है यह भी फोटोज़ सानू वेखन मिली हैं किस तरह ये जो छोटे छोटे अब्यूज़ एक एक करके जो कट्ठे वेखते हो ये एक की वड्डी पिक्चर सानू दस सकदे किस डायरेक्शन दे विच ये मूवमेंट जा रही है खास करके जिथे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गल आती है ये सारी चीज़ों पर गल करांगे तो मैं बहुत खुशी हो रही है कि इस टॉपिक ते आज इस डिस्कशन ते सानू जॉइन कर रहे हैं साडे नाल पहले भी जुड़े हैं ऑन द ग्राउंड तो आज मैं खुशी हो रही है कि साडे नाल स्काइप राही स्टूडियो विच जुड़ रहे हैं डॉक्टर शालिनी यादव दिल्ली तो। सब तो पहले डॉक्टर यादव तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत सत श्री अकाल। डॉक्टर यादव इट्स सो गुड टू हैव यू अगैन तुसी पहले भी साडे नाल जुड़े सी तुहाडी बैकग्राउंड ऑफकोर्स यू एन एडवोकेट यू हैव योर PhD इन सम रियली हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट थिंग्स ओदी भी आप गल करांगे बट मोर इंपोर्टेंटली यू आर पोलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट जो साडी लास्ट टाइम टिकरी बॉर्डर ते गल हुई सी तुसी सानू एक प्रोटेस्ट एक मूवमेंट जो ये बन चुकी है उस टाइम बन रही सी ओदी इतिहासिक सिग्निफिकेंस दसी सी खास करके जिथे हरियाणा पॉलिटिक की गल आती है वुमेन्स रोल इन प्रोटेस्ट इन पोलिटिकल मूवमेंट्स इन्ह की गल आती है। सो टुडे आई होप के वी कैन बिल्ड ऑन दैट कॉन्वर्सेशन बिकॉज उस टाइम तक कितनी ज़्यादा डिवेलपमेंट्स हुई हैं। सब तो पहले डॉक्टर यादव आई लाइक टू स्टार्ट विद सम ऑफ दीज हरियाणा पॉलिटिक्स एंड डिवेलपमेंट्स राइट खास करके जिते महापंचायत की गल आती है राकेश टिकैत साहब के वक्त वक् बयान आ रहे हैं उन्होंने रीसेंटली कांग्रेस पार्टी के कुछ अहदों को यह भी कहा कि तुम आके बिल्कुल हिस्सा ले सकते हो बट जो तुसी जो तुसी आओगे तुसी एक आम सिटीजन के तौर पर आके इस चीज़ में हिस्सा ले सकते हो। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ आज दी डेट विच हरियाणा का की रोल खास करके राजनीतिक तौर पर तुहाडे ख्याल च डिवेलप हो रहा है इस अंदोलन को लैके? Firstly, let me thank you for having me here, and please let me know if you'd prefer me to speak in Hindi, क्योंकि पंजाबी नहीं बोल सकती हूँ। No problem, Hindi and या English, जो भी आपको लगे, बिल्कुल, जो भी आपके audience ज़्यादा देखते हैं।
सो आई वुड प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बोलूंगी, मेरे ख्याल से ज्यादा लोग समझ पाएंगे. प्लीज. तो ये जो मूवमेंट जब शुरू हुआ अश्मिता, हमने उस वक्त भी बात की थी कि हरियाणा पंजाब के लिए क्यों ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, इसका जो ये पूरी जो बेल्ट है, ये सैक्रिफाइस पे और ये मार्शल रेसेस मानी जाती हैं. इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो स्टेट्स के लोगों का होता है, तो ये ज़मीन से जुड़ी लड़ाई है. इसीलिए जब आज राकेश टिकैत भी अगर आके ये कहते हैं दूसरे पोलिटिकल पार्टीज़ को कि आप आइए लेकिन आप एक आम इंसान की तरह आइए, तो उनका बेसिकली कहना ये है कि ये एक जन आंदोलन है, ये किसानों के आंदोलन से शुरू हुआ था, लेकिन ये जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है, जिस तरह से स्टेट ने रिएक्ट किया है, उसको देखते हुए अब ये जन आंदोलन बन चुका है. और खासकर जब मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारे पिछले इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में, एक हंग हाउस था, और ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है ये एक एक्सटर्नल सपोर्ट से बनी हुई है, बीजेपी और जेजेपी इन दोनों के मिलने से बनी हुई है. वरना कांग्रेस की भी इतनी सीट्स थी कि वो भी अपनी गवर्नमेंट बना जा सकती थी अगर एक्सटर्नल सपोर्ट उनको मिलता. तो इस वक्त बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा मूवमेंट है, हमने देखा कि यहाँ पे पीपली कांड हुआ. पीपली एक जगह है जहाँ पे किसानों के ऊपर बहुत डंडे बरसाए गए थे जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तभी. और लोगों में ये बात बिल्कुल ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया था. तो हरियाणा में बहुत रोष है इस चीज़ को लेके कि हमारे ज़मीनों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिन लोगों को हमने चुना है, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, इट्स बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी हरियाणा में, तो वो सारे लोगों के अगेंस्ट जब गवर्नमेंट उनकी बात सुन ही नहीं रही है, तो बहुत ही ज़्यादा रोष है. अब गांव-गांव में हरियाणा में तो बकायदा लोगों ने, पंचायतों ने बैन कर दिया है, लोगों ने बोर्ड्स लगा दिए हैं कि बीजेपी और जेजेपी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे वेलकम नहीं हैं. उनके कई, हमने ये भी सुना है कि उनके कई मेंबर्स ये कहते हैं हम तो घर से निकल ही नहीं पाते हैं. तो एक तरीके से एक सोशल बॉयकॉट हो रहा है इन पोलिटिकल पार्टीज़ का और इनके मेम्बर्स का, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी. लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बीजेपी अभी पहली बार हरियाणा में आई थी, और ये अभी ये सेकंड सेशन है. पिछली बार जब आई थी तब लोकसभा इलेक्शंस के टाइम ही ऑलमोस्ट हमारे इलेक्शंस हुए थे, कुछ महीने बाद तब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में आई थी, वरना हरियाणा में बीजेपी की कोई जमीन थी नहीं एक्चुअली. और अब जितना भी उन्होंने बनाया था 2019 में, मैंने बताया हंग हाउस हुआ, तो उन्होंने फिर एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ, जेजेपी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई थी. और आज जो वो सपोर्ट नहीं था उसके बावजूद इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और इतना गुस्सा हुआ क्योंकि जेजेपी ने जो अपना इलेक्शन लड़ा था वो इसी प्लेटफॉर्म पे लड़ा था कि हम बीजेपी को अपोज करेंगे, और फिर जाके वो उनके साथ मिल गए. अब ये बात हो गई यहाँ पे कि किसानों के अगेंस्ट और भी ये बढ़ते चले जा रहे हैं, किसानों को डंडे मारे जा रहे हैं. किस तरह से जो एक्चुअली रिपब्लिक डे वाला एपिसोड भी हुआ, उसके बाद भी किसानों में बहुत रोष फैला जब उनको ये समझ में आया कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली किया हुआ काम था उनके मूवमेंट को बदनाम करने के लिए. और राकेश टिकैत के रोने के बाद तो आप जानते हैं कि एक जैसा जन सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि सबको ये समझ में आया कि ये जो लोग लड़ रहे हैं इतने दिनों से उनका साथ देना बहुत जरूरी है. तब एक कनेक्ट हुआ लोगों के साथ, और उनको लगा ये हमारी ही तो लड़ाई है, ये हमारे ही तो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और इसलिए अब हम उनके साथ निकल के जाएंगे. हरियाणा में कई जगह पे टोल्स जो है वो पंचायतों ने डिसाइड कर लिया कि हमारे टोल से अभी कोई भी नहीं जाएगा निकल के. अब ये डिसीजन लिया गया है कि हर गांव से 20 मेंबर्स जाएंगे एक वीक के लिए, और उसके बाद वो 20 मेंबर्स वापस आएंगे उस हफ्ते के बाद, दूसरे वाले जाएंगे. तो पॉलिटिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट है. इस वक्त दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत एक्टिव हो रही हैं. INLD के जो नेता हैं अभय चौटाला, हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी तब उस वक्त वो ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर 26 जनवरी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. कई लोग बीजेपी के मेंबर्स हैं वो भी रिजाइन कर रहे हैं, जेजेपी के मेंबर्स हैं वो भी रिजाइन कर रहे हैं. सो पॉलिटिकली बहुत टर्मोइल है. लोग देख रहे हैं कुछ शायद नया इमर्ज हो सकता है. लेकिन इस वक्त पॉलिटिकली तो मैं नहीं कहूंगी कि इसका इस मूवमेंट से मुझे कोई इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी इस स्टेट पे उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी के साथ लोगों का टोटली एकदम मोह भंग हो चुका है हरियाणा में.
Yeah, bilkul. And Dr. Yadav, you know, I would be remiss if I didn't ask you, main tonu itthe na puchhaan, because hun agar apan lambe samay di gal karde haan, right? Looking forward, jis tarah eh andolan agge vadh reha hai, te jis tarah negotiations kind of, you know, lukewarm ji hagiyan, unna de vich koi ni vaddi development nahi hui pichle do dhai mahinya, to na lagda hai ki immediately kuch apa expect kar sakde hai in terms of progress, right? Sanu eh bhi sunan nu mil reha ki देखो जी ये तो हुण लगता है 2022 तक जाएंगे पंजाब इलेक्शंस तक एक गल जाऊगी तो जिथे इन्ने लंबे समय की गल आती है पंजाब इलेक्शंस की गल आती है भावें हरियाणा का इस चीज़ दे विच की इंपैक्ट होएगा जिस तरह तुसी बीजेपी दी राइज एंड फॉल की गल कर रहे हो इन टेरिटोरीज दे विच डू यू सी एनी इंपैक्ट अगर ये उस टाइम तक ये चीज़ खिंची जाती है देखिए ये चीज़ लंबी तो चलेगी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इसको लेके कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है वो लेकिन डेफिनेटली ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली हो रही है थोड़े से वीक विकेट पे आ रही है और ये रिकग्नाइज कर रही है क्योंकि अब बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हम MSP बिल्कुल देंगे हमेशा रहेगा तो किसानों को डेफिनेटली इस मूवमेंट से जो है सरकार हिल तो बहुत गई है सरकार नहीं चाहती कि ये मूवमेंट और बड़ा हो लेकिन जितने दिन ये बैठा रहे हैं उतने दिन ये मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है इंटरनेशनल स्फीयर पे पहुंच गया अब आपने देखा कि रिहाना वाला जो ट्वीट हुआ था उसके बाद तो अब वापस वही नेशनलिस्टिक फीलिंग देशभक्ति वाली वो लड़ाई जो नॉर्मली हर बार जो पैंतरा यूज किया जाता है वही पैंतरा यूज किया जा रहा है हरियाणा के पॉलिटिकल स्फीयर में इसका असर पड़ेगा डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में प्रेडोमिनेंटली तीन पार्टीज हुआ करती थी जो एक एक्चुअली तो दो ही थी कांग्रेस वर्सेज INLD ये कॉम्पिटिशन रहता था बीजेपी की बहुत कम सीट्स रहती थी लेकिन अब जो है INLD जो है वो पिछले कुछ सालों में उसका विभाजन हो गया दो फैमिलीज वो इट इज द चौटाला फैमिलीज ने एक ने JJP फैक्शन बनाया और दूसरा जो है ओरिजिनल जो INLD जो अब है चौटाला की पार्टी है वो वैसी रही थी और ये लगा कि जनाधार जो है वो JJP के पास चला गया उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उसके बाद वो जीते बहुत नई पार्टी है नए युवा उनके लीडर हैं दुष्यंत चौटाला लोगों को बहुत उम्मीद थी लेकिन एंटी बीजेपी स्टैंड लेके उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा और फिर वो बीजेपी के साथ ही चले गए थे तो पहली तो लोगों की नाराजगी वहां हो गई थी उनसे दूसरी नाराजगी ये हो गई कि INLD बेसिकली किसानों की पार्टी थी चौधरी देवीलाल ने वो पार्टी बनाई थी और उनकी फैमिलीज ने वो बनाई है आगे चल के तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दे उनके अगर आप देखें उनके स्पोक्स पर्सन को देखें वो किसानों के मुद्दों को लेके हमेशा आगे रहती थी उनका ऑपोजिशन कांग्रेस को रहता था और अब जो है वापस जो है JJP क्योंकि डिक्लाइन पे है किसान उससे बिल्कुल बिल्कुल निराश हो चुके हैं क्योंकि पहले तो उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट करके उनको लेट डाउन किया दूसरी बार उन्होंने जब किसानों को सपोर्ट नहीं किया इस मूवमेंट में और अभी तक नहीं किया तब ये कहा जाता था मुझे याद है कि जब मैं टीवी डिबेट्स में जाती थी तो उनके स्पोक्स पर्सन ये कहते थे कि जरूरत हुई अगर MSP नहीं दिया गया तो हम रिजाइन कर देंगे आप देखिएगा तो मैंने ये पूछा था कि आप उस दिन का इंतजार क्यों करना चाहते हैं जी अभी कर दीजिए आप पहले ये स्टैंड्स क्यों नहीं ले लेते exactly. कि अगर आप ये साइन नहीं करेंगे MSP को आप लिखित तौर पे नहीं डेफिनेट बनाएंगे सर्टिफाई करेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे बिल्कुल तो आज उस वो हालात आ चुके हैं कि MSP के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत सी छाई हुई है लेकिन वो रिजाइन करने के लिए तैयार है नहीं लेकिन रिजाइन की बातें करने के लिए तो लगातार तैयार रहते हैं डॉक्टर शालिनी यादव एडवोकेट पोलिटिकल एक्टिविस्ट सोशल वॉइस इन दिस ह्यूज मूवमेंट साढ़े नाल जुड़े हैं इतने एक छोटी जी ब्रेक ले रुकते हैं डॉक्टर यादव व्यूअर्स तुसी कितने ना जा मिलते हैं ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत तुम वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा साढ़े नाल जुड़े हैं डॉक्टर शालिनी यादव दिल्ली तो डॉक्टर यादव एक बारी फिर तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत किन्नी तुसी मैं कहांगी सिंपल शब्दों सानू साडे सरोतियां नू दस्या कि हरियाणा तो खास करके हरियाणा की राजनीति का की रोल है इस पूरे अंदोलन दे विच एक इतिहासिक तौर पर तो मूविंग फॉरवर्ड एज वैल अगर आप देखते हैं खास करके अगर ये अंदोलन जिस तरह हुण लग रहा है अगले साल तक भी स्ट्रैच हुंदा पंजाब इलेक्शन तक पहुँच
ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨ ਯੋਰ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਸਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੰਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤਸ ਦੀ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अश्मिता आपने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट बताया है कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जिन कम्युनिटीज़ को हिंदुस्तान में कास्ट के बेसिस पे तोड़ दिया गया था क्योंकि पॉलिटिकल वोट बैंक्स की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता था वो अब यूनाइट हो गई हैं पहले ये था कि जो लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है उनको ये समझ में आ रहा है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है उन सबकी माँ एक ही है ज़मीन तो कोई जात पात है नहीं तो ये वाला एक जो मूवमेंट देखा है और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में आप ये समझिए कि 85% जो पॉपुलेशन है वो जिसे हम लोअर कास्ट या बैकवर्ड कास्ट या एक्चुअली मुझे वो शब्द पसंद नहीं है अपर एंड लोअर कास्ट आई थिंक उसका सही शब्द होना चाहिए प्रिविलेज्ड कास्ट एंड अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट सो जो अंडर प्रिविलेज कास्ट हैं वो हैं अब वो 85 लेकिन जो रूलिंग कम्युनिटीज हैं उनमें जो प्रिविलेज कास्ट हैं 15% वो हैं तो ये 15% उस 85% से कैसे वोट लें उनको कैसे वोट लेके राज करते रहें तो ये एक उनके सामने एक डिलेमा था उनके लिए कास्ट सबसे अच्छा फैक्टर था कि जितने ये वर्किंग कम्युनिटीज हैं इनको तोड़ दिया जाए लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस ये मूवमेंट चेंज हुआ है दूसरी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी मैं थोड़ा सा दलित पॉलिटिक्स पे भी आऊँगी लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझने के लिए कि आज अगर आप हमारी संसद देखते हैं चाहे आप लोकसभा में देख लीजिए चाहे आप स्टेट असेंबलीज में देख लीजिए आपको किसान नहीं मिलता है वहां पर एक टाइम में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स किसान डोमिनेट करते थे हमारे चौधरी चरण सिंह थे जो प्राइम मिनिस्टर बने तो किसान थे जिस दिन तक संसद में किसान नहीं आएगा उस दिन तक किसानों के लिए कानून नहीं बनेंगे आप हमारा अगर संसद देखते हैं तो वो ज्यादातर व्यापारियों की संसद है इंडस्ट्रियलिस्ट की संसद है बहुत बड़े बड़े पैसे वालों की है तो जब लॉज बन रहे हैं तो उन लॉज में कॉमन आदमी के लिए कोई स्पेस नहीं रह जाता है ये लॉबिंग के ऊपर चलती है टोटली तो ये पहली बार ये मूवमेंट है यहाँ किसानों को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो राजनीतिक तौर से अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं अगर वो राजनीति में दोबारा अपना हिस्सा नहीं लेते हैं तब तक उनके हिसाब से न ये देश चलेगा और ना ही ये संसद चलेगी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान ही कभी भी किसानों के हिसाब से तब तक नहीं चल सकता क्योंकि किसान हमारे 60-70% पॉपुलेशन है अगर देश के हिसाब से देश को चलना है तो उसके जो असली लोग हैं उनको वहां पे आना पड़ेगा और इसके लिए बहुत जरूरी है हाँ इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो कास्ट का जो ये कीड़ा है इसको सबसे पहले खत्म करें इससे आगे उठ के देखें कि जो खेती करता है जो उगाता है वो एक ही है वो सब भाई है उसके इश्यूज एक हैं जो काम करता है उसके इश्यूज एक हैं अब मैं दलित पॉलिटिक्स पे आती हूँ जब आप बात कर रहे हैं कि इसमें जो दलित लोगों का इन्वॉल्वमेंट है देखिए यहाँ हमारे यहाँ कास्ट और क्लास का बहुत ज़्यादा ओवरलैप है लोअर कास्ट या अंडर प्रिविलेज कास्ट जो है वही लोअर क्लास भी हैं उनके पास पैसे कम हैं हमारा लास्ट कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1930s अर्ली 1930s में हुआ था उसके बाद से आप ताज्जुब करेंगे कि हिंदुस्तान में कभी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ क्योंकि उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी ये भी दिखाया जाता है कि 90% से ज्यादा लोग जो जेलों में पड़े रहते हैं जिनको न्याय नहीं मिलता वो भी लोअर कास्ट के ही हैं तो ये क्लास और कास्ट ओवरलैप है कि सबसे गरीब जो हैं इस देश में आप देखिए गांव जो हैं इस देश के वो बहुत गरीब रखे गए हैं गांव में कौन रहता है
अगर आप शहरों को देखेंगे तो शहरों में सारा डेवलपमेंट किया गया, लेकिन ज्यादातर शहर में जो हम वो 15% प्रिविलेज कास्ट की बात कर रहे हैं वो रह रहे हैं जी ज्यादातर, और उनका डोमिनेशन है 90-95% एकेडेमिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, सारी सहूलतें, जुडिशरी, मतलब हर चीज में दी इनका जाती है, बिल्कुल टॉप पे ये लोग बैठे। तो गांव तब तक विकसित नहीं होगा जब तक जो ये पूरी पॉपुलेशन है ये मिलके उठ के अपना अपना हिस्सा या अपनी राजनीति में अपनी जगह को समझती नहीं, उसको एस्टैब्लिश नहीं करती। दलित इसमें एक बहुत ही क्रूशल पोजीशन में इसलिए आते हैं क्योंकि ज्यादातर जो है वो लैंडलेस लेबरर्स हैं। दलितों के पास तो जमीन और भी कम है, दलित और आदिवासी बिल्कुल जो हैं, ये वो दो कम्युनिटीज हैं। लेकिन उनको भी ये चीज समझ में आती है, वो भी जब इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं तो उनको ये पता है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो दलितों का भी जो मूवमेंट है, एक्चुअली पिछले कुछ साल में जो देखा है हमने कि जो हमारे रूलिंग रिजीम है उसका एक नैरेटिव रहा है वो बहुत एक हेल्दी नैरेटिव नहीं रहा है, वो डिफरेंसेस क्रिएट करने के ऊपर रहा है। तो उस डिफरेंसेस क्रिएट करने में, और इंडिया में एक सबसे बड़ा डर जो लोगों को अभी रहता है कि ये जो प्रेजेंट रिजीम है उसका मेन एजेंडा जो है वो ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म है, उसके ऊपर बेस्ड है। सो जब वो कहते हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें यानी उसमें उनकी डोमिनेशन किसकी होगी? हिंदू राष्ट्र, हिंदू इज नॉट वन टर्म, उसमें जब आपने आपका उसका बेसिस ही आपका कास्ट है जो कि इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, अपन अपन लो के ऊपर बेस्ड है, उच्च और नीच के ऊपर बेस्ड है, और इसके कॉन्ट्रडिक्शन में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है इक्वालिटी। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल आइडियल है और जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आइडियली हमारे नेताओं को ये करना चाहिए था कि जो हमारे इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका विजन था कि इस देश को हम बराबरी की तरफ ले जाएं। अल्टीमेटली जो इंडिया दिखाई दे वो बराबरी के ऊपर, भाईचारे के ऊपर बेस्ड हो। सो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये तीन चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बहुत मायने रखती हैं। अब इसकी लड़ाई सोशल सिस्टम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिटिशियंस रहे हैं उन्होंने रूल करने के लिए वही पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेके हमेशा वोट जो है वो कास्ट के बेसिस पे लेने की कोशिश की है। तो अब ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि हमें जरूरी है कि हम इससे आगे बढ़े। अब इस सिस्टम में, अब आप देखिए जो प्रेजेंट रूलिंग रिजीम या हम जब आरएसएस की बात करते हैं जिसके साथ बीजेपी एफिलिएटेड है, तो ये पूरा उनका सिस्टम उसी से चलता है। तो आरएसएस हिंदुत्ववादी सोच के ऊपर बेस्ड है, वो वही पुराने सिस्टम्स एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी डायमेट्रिकली उसका टकराव होता है। इस सिस्टम में दलित्स की प्लेस, दलित्स की जो जगह है वो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी जी, क्योंकि उनके हिसाब से जैसे हम कहते हैं ना सिस्टेमिक ऑप्रेशन, लाइक इट्स बिल्ट इन कि वो एक हद तक, एक हद से पार एडवांस कर ही ना सके। जी बिल्कुल। तो और इंडिया में एक आप चीज और देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो कास्ट नाम का जो कीड़ा है वो सिर्फ हिंदू सोसाइटी में लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया के जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो भी अगर कन्वर्ट्स हैं, चाहे मुस्लिम्स हो एंड इवन आई बिलीव इन सिख्स ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं पे कास्ट सिस्टम जो है वो यहाँ की बीमारी वहां पे भी गई Absolutely. है। लेकिन इतना जी नहीं नहीं आई थिंक डॉक्टर यादव ये पॉइंट तुसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने बनाया, खास करके साढ़े दर्शकों लिए। एक सिख तुसी कह लो होन दे नाते हमेशा सानू ते साढ़े गुरुओं ने दस्या कि तुसी जात पात तो हट के उपर उठ के अपनी जिंदगी, अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज़ नू रखना है। बट साढ़े अपनी कम्यूनिटी में कितनी अफसोस की गल है कि सानू ये चीज़ वेखन नू मिलती है। बट आई थिंक जो पॉजिटिव इतने सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं, एक होप जगाने वाली चीज़ हैगी कि हुण सानू सारे कन्फ्रंट करना पै रहा है पै रहा है कि देखो जी ये कास्ट ये जो डिविजनज हैं सानू कितना कमज़ोर बनाते हैं, खास करके इस लड़ाई के विच। एक होर छोटी जी ब्रेक लिए इत्थे रुकते हैं। व्यूअर्स गल इस तरह जारी रहेगी, मिलते हैं ब्रेक तो उस पार।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਯਾਦਵ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੱਚ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਐਨ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਯੂ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1930s ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਟਰੂਥ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਅਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲ ਬੀਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨਾ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ PhD ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ is in the Armenian genocide, right? And genocide, khas karke sikhan layi ek bahut hi it's a traumatic word, hai na? Aapa genocide sochde haan te sade layi oh cheez ek bahut hi trauma inducing cheez paida kardi hai, but a history da ek bahut hi painful hissa reha hai ki over the years those in power have used different means to oppress others, paave oh religion, paave oh ethnicity, kisi bhi basis de taur te hoye. And genocide, even though that is a huge word, ohde bahut vadde implications hunde hai, it overnight nahi eh cheez hundi, right? Genocide ek din nahi hai ki dooje din ho jandi, idda thodi na hunda hai. History de vich jadon jadon eho ji cheezan hoiyan han, it's a long process, right? So before we get into the specifics, jo tuhadi experience, expertise is area de vich rahi hai, jadon is tarah di situations develop hundi hai, ਕੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਗਰ ਅਗਰ ਹਮ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਅਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ जी कि उसके जो सिम्टम्स हैं जिस तरीके के जैसे शरीर में जब बीमारी डेवलप होती है तो वो एक छोटी सी फुंसी से अगर डेवलप होती है और वो धीरे धीरे बढ़ के कैंसर बनती है तो इसी तरह जेनोसाइड भी बहुत धीरे धीरे देखिए अगर नॉर्मली किसी भी सोसाइटी में जेनोसाइड के लिए देखा गया किसी भी सोसाइटी में डिफरेंसेस रहते हैं कोई ना कोई कम्युनिटी ऐसी होती है जो शायद दूसरे कम्युनिटीज से ज़्यादा अच्छा करती है और आपस में ये एक बहुत ग्रुप फीलिंग होती है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप फीलिंग ये हमारे लोग हैं या हमारे लोग नहीं हैं लेकिन इस फीलिंग को आप किस लेवल तक जाने देंगे इस फीलिंग के ऊपर आप हो सकता है आप उनसे दोस्ती ना करें शादी ना करें इंटीमेट रिलेशनशिप्स नहीं एस्टैब्लिश करें लेकिन आप उनको दोस्त बना लें एक पॉइंट आता है जब आप दोस्त कहते हैं कि एक्वेंटेंस हो सकता है हम बात करें उनसे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आप कहते हो हम बात भी नहीं करेंगे ये बात करने लायक भी नहीं है तो वहाँ उस पॉइंट पे आके नफरत डेवलप होती है तो कोई भी पावर्स जो हैं कई बार हिस्ट्री में हमने देखा है जितने भी जेनोसाइड्स जो डेवलप हुए वो यही था कि एक कम्युनिटी के अगेंस्ट फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स भड़काई जाती हैं पहले दूसरी चीज उसके बाद पावर स्ट्रक्चर्स में भी बहुत चेंजेस लाए जाते हैं जैसे कि जो एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि मीडिया में जो सच्चाई है क्योंकि किसी भी सोसाइटी में देखिए बैलेंस हमेशा बना रहता है अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी होती हैं लोग नॉर्मली जब आपस में रहते हैं स्पेशली बहुत डाइवर्स कंट्रीज में जैसे इंडिया तो हम लोग अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते थे अब उन्हीं डिफरेंसेस को अगर हम अपनी बीमारी मानने लग जाएं तो हिंदुस्तान
तो शायद रह नहीं सकता। आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से इंसानियत नहीं बचेगी अगर हम अपने डिफरेंसेस आपस में देख के बढ़ने लगे। लेकिन ये लोग इसी चीज़ को भड़काते हैं, तो उसके लिए वो नहीं चाहते कि मीडिया के द्वारा सच बाहर निकले। तो उसमें बहुत लाइज प्रोपोगेट की जाती है, बहुत झूठ बोले जाते हैं, और उन झूठों को बार बार हिटलर के जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे जोसेफ गोबेल्स, उनका ये कहना था कि आप एक झूठ को अगर 50,000 बार बोलोगे तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। तो यही पॉलिसीज जो जेनोसाइड्स क्रिएट करते हैं, उस तरह की स्टेट्स जो हैं वो उसको यूज़ करती हैं बार बार एक झूठ को, और उस झूठ को काउंटर करने वाली सारी एजेंसीज को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही तरीके का पर्सपेक्टिव चले, उसको सिर्फ एक ही साइड की चीज़ दिखाई दे, ताकि दूसरा आपका क्रिटिकल माइंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तीसरी चीज़ होती है कि जो बोलता है फिर उसके खिलाफ, जो सोचता है, जो समझता है, उसको चुप करा दिया जाए। चाहे उनको उनको डिसअपीयरेंस, ओवरनाइट डिसअपीयरेंसेस हो जाती हैं, उनको हटा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, स्पीच के ऊपर, फ्री स्पीच के ऊपर ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, लोगों में एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है कि जो बोलेगा, जो इससे अग्री नहीं करता, जो हमारा जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, उसको चुप करा दो किसी तरीके से। इस 21st सेंचुरी में हमने ऑनलाइन मीडियम क्योंकि बहुत एक्टिव है, तो उसके थ्रू जो ट्रोलिंग का जो एक ये कल्चर देखा है हमने, ये ट्रोलिंग कुछ और नहीं था, बस ये था एक तरीके की, जैसे आप कहें बुलिंग है, एक तरह की गुंडागर्दी है, कि आप अगर हमारे जो सच हम प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो हम आपको चुप कर देंगे, इस तरीके से ये होता है। जुडिशरी के ऊपर ओवरटेक होता है कि हमारे यहाँ पे खासकर जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो लेजिस्लेचर है यानी जो पार्लियामेंट है वो सर्वे सर्वाना बन जाए। जी, क्योंकि जब 21st, फिर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देती हूँ, क्योंकि जिस वक्त ये डेमोक्रेसीज एस्टैब्लिश हुई थी पिछले सदी में, जब हमने देखा है जो नेशन स्टेट्स हैं वो उभरी हैं, तो गवर्नमेंट्स के ऊपर कभी भी इतना ऑर्गेनाइज कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट्स के पास वो पावर नहीं था। और जब वो पावर महसूस किया गया, जो तो उस टाइम के जो आंदोलन थे, खासकर कि इंडिया में जो आंदोलन हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो गांधी जी वगैरह जो थे, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी देखें और उनको समझें, ये सब बहुत ही हाई लेवल के थिंकर्स थे, अम्बेडकर थे, गांधी थे, भगत सिंह थे, पटेल थे, तो ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे, और उनको ये पता था कि आगे चल के आप स्टेट के साथ, ऑर्गेनाइज स्टेट जिसके पास सारे पावर्स हैं, अस्त्र हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं उसके हाथ में, तो आप कभी भी उसके साथ अस्त्र के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो थी वो ना सिर्फ एक मॉरल इम्पेरेटिव था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक भी इम्पेरेटिव था। तो जी प्लीज गो अहेड। हाँ, तो अब उसमें हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया था कि स्टेट ऐसा ना करे कि इंडिविजुअल के सारे ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दे, क्योंकि स्टेट की एक टेंडेंसी होती है, वो जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, तो और स्टेट पावर पावर वो कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इंडिविजुअल जो है वो अकेला कैसे लड़ेगा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारे जो एस्टैब्लिश किए गए इंस्टीट्यूशन जो जुडिशरी थी, उसलिए उसको इंडिपेंडेंट रखा गया कि कल को अगर जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, वो गलत करे लोगों के साथ, तो जुडिशरी जो है वो उसको पीछे हटा सके और इंडिविजुअल्स के, सिटीजन्स के राइट्स को री एस्टैब्लिश कर सके, जो कि अब जुडिशरी के ऊपर भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे काफी कंट्रोल। Absolutely. So, Dr. Yadav, तुसी perfectly transition कीता जो मैं next point उठाना चाहती सी इत्थे। You know, once again, जिस तरह दी human rights violations वेखन नू मिल रहे हैं, जिस तरह दी abuses, alleged abuses, custody विच गिरफ्तार कीते हुए protesters, activists, पत्रकारां दे नाल हो रहे हैं, बुजुर्गां दे नाल हो रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਬਰੋਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਫ ਨੋਇੰਗ ਵਟ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ
can offer, right? But is vele agar oh compare kar rahe hai ki kis tarah agar tusi USA vich baithe hunde tuhade kuch basic rights kadi bhi itthe di police unhan nu violate nahi kar sakdi. Of course is country de vich apne bahut issues rahe han police behavior nu laake, but jis tarah di police behavior specifically agar apan ohdi gal kariye is vele sandolan de vich vekhan nu mil rahe hai. I mean, let's talk about Nodeep Kaur, right? Is 23-year-old political activist, labor activist, January 12 to onu custody vich rakhya hoya hai. Hale tak ohdi bail di koi lagda nahi ki kuch progress ho rahe. I know the legal team did meet her yesterday, but ohde te FIR te FIR darj kitte ja rahe. What's going on with the judiciary? Why are they almost like a lame duck judiciary right now? Well, Ashmita, judiciary jo hai, maine wahi kaha ki judiciary ka independent hona bahut zaruri hai. Aur jab judiciary jo hai, unfortunately India mein abhi nahi, kafi pehle se aur ab pichle kuch saalon mein bahut zyada jo hai, hum logo ne har jo institution hai jinhe the four pillars of democracy kaha jata hai ki judiciary, executive, legislature, humne har kisi ka jo usko dilute kiya hai. और जैसे जैसे जब लेजिस्लेचर कभी भी अपने आप को ओवर एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और डेमोक्रेटिक फैसले नहीं लिए जा रहे हैं. तो जब आप ये आप फाइनली आखिरी लड़ाई जो सिटीजन की होती है वो कोर्ट्स में होती है. तो जब आप कोर्ट्स को कैप्चर कर लेंगे, आप जुडिशरी को कैप्चर कर लेंगे, तो देश डेमोक्रेसी में, देश में डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगी. ये एक फैक्ट है. आप नवदीप कौर की बात कर रहे हैं, मनदीप पुनिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी, उनके साथ, वो तो जर्नलिस्ट हैं. उसके बाद एक जर्नलिस्ट पहले थे हरियाणा में जिन्होंने इस पूरे किसान आंदोलन को लेके, मूवमेंट को लेके, उससे पहले इन्होंने वहाँ बताया था कि अडानी के सिलोज हैं. वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, उनकी अपनी रेलवे ट्रैक है, उन्होंने उसकी कवरेज की थी, वो उनके ऊपर अटैक किया गया. तो ये जर्नलिस्ट्स के ऊपर या इंडिविजुअल एक्टिविस्ट्स के ऊपर अटैक्स काफी चल रहे हैं. और ये उसी सीरीज में एक और है. और ये एक तरीके से किसी भी, नवदीप कौर का तो केस सामने आया है, बाकी आप देखिए जो आप कह रहे हैं कि 80 साल के बूढ़े हैं उनको मारा गया है ओपनली. आप जानते हैं कि उस दिन टीकरी में, 26 जनवरी टीकरी में मैं भी थी वहां पे, तो मैंने देखा है उस ट्रैक्टर परेड में कि कैसे हुआ कि पुलिस ने जानबूझ के डाइवर्ट किया है लोगों को गलत रास्ते में जाने के लिए, ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके. और उसके बाद टोटली अनप्रोवोक्ड टियर गैस शेलिंग भी हुई है, लोगों को मारा भी गया है, सारी कवरेज आपके यहाँ पे हुई है. तो ये मींस हैं जो स्टेट एम्प्लॉय करता है उन आवाजों को चुप करने के लिए जो रिप्रेजेंट कर सकती हैं, लीडर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. जैसे उस वक्त आपने देखा था कि राकेश टिकैत तो उस दिन वहीं बैठ गए थे और उन्होंने कहा था मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, क्योंकि लीडर्स के ऊपर धीरे धीरे जो पावर्स हैं वो अपना शिकंजा कसेंगे. खास करके जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इसलिए खत्म किए जा रहे हैं ताकि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके जी. तो उसमें सबसे पहले लीडर्स को ही खत्म किया जाता जी, है एंड वॉइसेस ऑफ डिसेंट. एक और छोटी जी ब्रेक ले, सानू इतने रुकना पै रहा है, तुसी किथे ना जाओ, विल बी राइट बैक. छोटी जी ब्रेक तो उस बार ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर हुए हैं. गल हो रही है ऑफकोर्स इस किसान अंदोलन नू लैके, बट ये सिर्फ किसानों का अंदोलन नहीं है, ये एक जन अंदोलन बन गया. डॉक्टर शालिनी यादव साढ़े नाल जुड़े हैं. डॉक्टर यादव एक बारी फिर तुहाडा स्वागत. डॉक्टर यादव, यू नो देयर इज़ अ फेमस सेइंग, इफ वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्टरी वी आर डूम्ड टू रिपीट इट, राइट? एंड तुसी सानू एक हिस्टोरिकल एक्सपर्ट होने के नाते भावें वो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, पॉलिटिक्स, हरियाणा पंजाब रिलेशंस या ईवन जेनोसाइड दी गल अपनी इनसाइट शेयर की है साढ़े इन सारे टॉपिक्स से. बट यू नो आई वॉन्ट टू
leave this show, main aaj is show di samapti kisi positive cheez nal karna chahundi ha, right? Because history de vich is eh pehli wari hoya hai ki inni vaddi movement, inni unity, you know, paave oh religious unity, class unity hoye, vakh vakh staten de vich sanu is andolan de vich vekhan nu mil rahi. You appropriately said eh ek kisan andolan nahi reh gaya, eh jan andolan ban gaya hun. So you know, ede vich kuch cheezan hegiyan agar apan jis tarah hun human rights abuses di gal kariye, right? There is extra media attention, social media hi paave tusi keh lo, paave in the past history de vich jado is tarah di atrocities, violence, is tarah di ghatnavan hoiyan san, ohna di jankari lokan tak cheti nahi pahunchi, right? If we go even further back, even in the Holocaust, right, loki denial de vich sige jado tak khabar ohna tak asli pahunchi, ohna ne yakeen kita, it was too late for millions of people, hai na? But is andolan de vich we have the luxury ki real time paave internet and networks nu डिसेबल किया गया दिल्ली दे विच, फिर भी इनफॉरमेशन रियल टाइम दे विच बाकी लोका तक, दुनिया तक पहुँच रही है. तुहाडे ख्याल च एदा कोई अफेक्ट होएगा इन तरह दी अब्यूज़ ते, इन इस ट्रजैक्टरी ते, जिस ट्रजैक्टरी ते इस वेले ए मूवमेंट जा रही है, भावें उस सरकार वालों होए, भावें ओ जो जथेबंदियां जिस तरह दी ओ पुशबैक दे रहे हैं, तुहानूं लगता है कि इन्नी अवेयरनेस कोई पॉजिटिव फैक्टर एदे विच ऐड कर सकती है, और डू यू थिंक दैट दिस इज हेडिंग इन द रोंग डायरेक्शन एंड देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट इट? अश्मिता, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया है, क्योंकि जेनोसाइड्स जहाँ पे भी हुए हैं, ये जो होलोकॉस्ट जो हुआ था उसमें उसका जो प्रिकर्सर था वो एक्चुअली आर्मेनियन जेनोसाइड था. ये कहा जाता है कि हिटलर ने ये कहा था कि जाओ और ज्यूज को मारो, आखिर आर्मेनियंस को कौन याद करता है. तो आर्मेनियन जेनोसाइड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, होलोकॉस्ट सेकेंड के टाइम हुआ था. लेकिन एक सबसे बड़ा लेसन जो उसमें हमने सीखा था, और जो जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं, होलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स हैं, बार बार वो आपको यही एक बात कहते हैं कि टेक साइड्स, साइड लीजिए, किसी का की साइड लीजिए. न्यूट्रलिटी एनकरेजेस द ओप्रेसर, नॉट द ओप्रेस्ड. अगर आप तटस्थ बैठे हैं, अगर आप कोई साइड नहीं लेंगे, उससे जो मजबूत है उसकी मजबूती बढ़ती है, जो कमज़ोर है वो तो और कमज़ोर होता चला जाता है. तो ये जो स्टेट्स हैं, और जेनोसाइड्स एक अकेले वही नहीं थे, हमने रवांडन जेनोसाइड देखा है, हमने इंडिया पाकिस्तान वाला जेनोसाइड देखा है. दैट वाज अ जेनोसाइड दैट वाज कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम्स उस वक्त पार्टीशन के टाइम पे. तो जेनोसाइड्स होते रहेंगे, लेकिन उनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप चुप ना बैठें. आप You cannot not take sides. अगर आपने ये कहा है कि मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब आपने साइड ले ली है, जिसके पास पावर है उसकी साइड ले ली है. अब यहाँ पे जो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आप पूछ रही हैं क्या इसका फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है. अगर आप देखें कि मंदीप पुनिया को कितनी जल्दी रिलीज कर दिया, अगर आप देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका जो सपोर्ट आया, उसके बाद कितनी चीज़ों पर गवर्नमेंट बैक डाउन की है, उसके बाद जो जो लोग बोलते हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप जो वल्नरेबल है उसको आप और ज़्यादा उस सिचुएशन में डालते चले जाएंगे कि जब अगर वो उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो उसके आगे तो कौन पहुंचाएगा? क्या आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी आवाज़ पहुंचाएं आगे? और ये 21वीं सदी का सबसे अच्छी चीज़ यही है जो इंटरनेट की आप बात कर रही हैं, सोशल मीडिया की जो आप बात कर रही हैं. इंडिविजुअल एक तो सबसे ज़्यादा एम्पावरिंग इक्विपमेंट मेरे ख्याल से 21वीं सदी का माना जाएगा वो है कैमरा इन द फोन. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. उससे चोरी पकड़ना, करप्शन पकड़ना, गलत पकड़ना इतना आसान हो गया है. और अगर उसके अब्यूजेस हैं सोशल मीडिया के, तो उसके पॉजिटिव्स भी बहुत हैं. और वो ये है कि अगर आप बोलेंगे, अगर आप जुड़ेंगे, उसके बाद ही अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी एक पॉइंट में, कह रही हूँ जेनोसाइडल इम्पल्सिस हैं, लेकिन वो जेनोसाइडल इम्पल्सिस एक्टिवेट होते हैं कि नहीं जी, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि क्या लोग उठ के खड़े होके उनको ये दिखाते हैं कि ये जरूरी है, हम देख रहे हैं और ये नहीं होने दिया जाएगा. बिल्कुल, आर्मेनियन जेनोसाइड के टाइम पे भी देखिए ऐसा है कि उस वक्त वहां पे अमेरिकन एम्बेसी के लोग बेस थे, उनके एम्बेसडर थे मॉर्गन थाव,
उन्होंने गवर्नमेंट को भी बार बार लिखा था कि ये जेनोसाइडल इम्पल्सिस देखे जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी वर्ल्ड पावर्स ने कुछ नहीं किया था। अब फर्क ये है, अब इंडिविजुअल्स खड़े हो रहे हैं और सॉरी प्लीज अलाउ मी जस्ट नो प्रॉब्लम द डिफरेंस हियर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो, वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हो, वर्ल्ड की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हो, सबका स्टेक होता है पावर स्ट्रक्चर में। जी जिसका पावर स्ट्रक्चर में स्टेक नहीं होता है वो होता है इंडिविजुअल सिटीजन। तो जब इंडिविजुअल सिटीजन ही अकेला होगा जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है और गलत होने से रोक सकता है, दिस इज द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, विल यू स्पीक और विल यू नॉट। अगर आप बोलोगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे करने की, क्योंकि उनको पता है कि इतने सारे लोग हैं जो गलत के खिलाफ बोल देंगे। आपकी हिम्मत ही तो तोड़ने की कोशिश की जाती है। जेनोसाइडल रिजीम्स जो होती हैं वो आपको चुप करा देती हैं, डर के मारे चुप करा देती हैं। बट मैंने हमेशा एज एन इंडिविजुअल ये माना है कि जो लोग बोलने से डरते हैं वो ये भूल जाते हैं कि अगर बोलने के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो चुप रहने के भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और चुप रहने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा दूरगामी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आज आप अगर चुप रहते हो गलत को, कभी भी आप गलत को देख के चुप रहते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है। और उसके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसी चीज से निपटना पड़ता है। आप चुप रहने में चीज हालात बद से बदतर करते चले जाते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत पोटेंट मीडिया है, इसीलिए आप देखिए कि एक ट्वीट जिसकी आउटरीच, रिहाना की आउटरीच इतनी थी, इन लोगों के जो इतने लोग सुन रहे हैं, आफ्टर ऑल इंडिविजुअली ये क्या, अगर आप माने तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में नहीं है, पावरफुल उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। मीडिया का काम जो है वो ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके अपने फॉलोअर्स हैं, और जैसे ही ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचता है वैसे ही वो बैकफुट पे आ जाते हैं जो गलत कर रहा होता है। सो इसीलिए अगर आप सोचें कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से एक इंटरनेशनल स्फीयर के ऊपर एक इंडिविजुअल ट्वीट करता है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो रिएक्ट करती है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम दैट वी आर लिविंग इन, कि अब इंडिविजुअल्स के पास इतना पावर है कि वो स्टेट्स को चैलेंज कर सकती हैं और उसके गलत को चैलेंज कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ये जो पावर है इसको रिकॉग्नाइज करें और गलत को रोकें, गलत के खिलाफ खड़े हों। Absolutely. Such powerful words, Dr. Shalini Yadav ji. Thank you so much to see Sanu. Na ke ek history lesson ditta on various subjects, but hope bhi sade vich kaim rakhi ke sade saryan de ek individual hon de nate pave दिल्ली विच तुसी अंदोलन दे विच बैठे हो, मोर्चे दे विच बैठे हो, या तुसी अब्रॉड दे किसी भी कोने च बैठे हो, अगर तुसी इस कॉज दे लई थोड़ी जी भी तुहाडे दिल दे विच जगह हैगी, यू हैव टू टेक अ साइड एंड यू हैव टू रेज योर वॉइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी यादव, जरूर तुसी फिर आके साडे नाल अपनी वक् वक् अपडेट्स, एक्सपर्टीज, इनसाइट शेयर करो। बट फॉर दिस ईवनिंग हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर ईवनिंग। सत श्री अकाल। Sat Sri Akal, Ashmita. Thank you so much for having me, and it's always lovely talking to you. Always a pleasure. Take care. Viewers, nu main janne ande sirf ehi kehna chahndi ha ki अज दी डेट विच ये जो लड़ाई जिस तरह डिवेलप हो रही है, ये एक तुसी कह लो सिर्फ ग्राउंड की लड़ाई नहीं रहेगी, ये सोच की, ख्यालों की लड़ाई रहेगी है। तो इस सोच के इन ख्यालात दे विच भी सानू मॉडर्न टूल्स नू इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया की गल आती है, तुसी सोशल मीडिया नू इस्तेमाल करो, तुहाडी फेसबुक अकाउंट है, तुसी सही हैशटैग नू यूज़ करो, सही इन्फॉर्मेशन ते खबरां ते न्यूज़ स्टोरीज़ नू अगे फॉरवर्ड करो, ना कि जो गलत हन। तुहाडे होर सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं तो बनाओ, यही तो टाइम है कि तुसी हाथ ते हाथ धर के ना बैठो, बट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने लई तुहानू ज़्यादा दूर जाने की लोड़ नहीं है, तुसी अपने फोन राही ही किन्ना कुछ कर सकते हो। ये तो ब्यूटी है 2021 दी। बट ये नाल ही प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। साडे लई कोई क्वेश्चंस, कॉमेंट्स, कंसर्न्स जरूर लिख सकते हो info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। हुण सानू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।